हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जेट अचीवर के एक न्यू प्रॉब्लम के बारे में। जैसे हम जेट अचीवर ऐप को ओपन कर रहे हैं, एंड्रॉयड वाले फोल्डर पे अगर क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर डाटा और ओबी वाला फोल्डर है। अगर हम इनमें से किसी भी फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अगर आता भी था तो अलाउ का ऑप्शन आता था, और जैसे ही अलाउ कर देते थे तो फोल्डर ओपन हो जाता था, सभी फोल्डर शो करते थे। लेकिन अगर हम यहाँ पर ओके करते हैं तो इस प्रकार का प्रॉब्लम आता है। देखिए, यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। अगर आप किसी फोल्डर को क्लिक भी करते हैं तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिल जाता है यूज दिस फोल्डर का। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं फिर अलाउ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ लास्ट में एक्सेस इज डिनाइड वाली प्रॉब्लम आ रही है। तो गाइस, आप एक से दो बार ऐसे ही करके चेक करना, क्या पता आपके फ़ोन में प्रॉब्लम सही हो जाए। मेरा फ़ोन एंड्रॉयड 12 है, एंड्रॉयड 12, तो मेरे फ़ोन में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। आपका फ़ोन का वर्जन क्या है आप चेक करना। और देखिए, अब इतना करने के बाद बैक आते हैं। अगर हम ओबी वाले फोल्डर पे भी क्लिक करते हैं तो भी ऐसी ही प्रॉब्लम आ रही है, ओपन ही नहीं हो रहा है। देखिए, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो आपको करना क्या है, सिंपली आ जाते हैं बैक। सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर को ओपन करना और यहाँ पर जेट अचीवर को ओपन करना, सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर चेक कर लेना है कि क्या आपके फ़ोन में इसका अपडेट तो नहीं आया है। अगर अपडेट आया रहेगा तो आप तुरंत इसे अपडेट कर लेना, तो आपकी जो प्रॉब्लम है सही हो जाएगी। अगर आपने अपडेट कर रखा है तो एक बार आप सेटिंग में जाकर चेक कर लेना आप अपने फ़ोन को, कि आपने अपने फ़ोन को अपडेट कर रखा है कि नहीं। अगर आपका फ़ोन अपडेट नहीं रहेगा, अपडेट आया रहेगा, तो अपडेट आप कर लेना, तो भी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। अगर गाइस आपने सब कुछ कर रखा है फिर भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, जैसा कि आपने देखा मेरे में भी आ रही है, मेरा फ़ोन भी अपडेट है, जेट अचीवर ऐप भी अपडेट है, तो आपको थोड़ा वेट करना है। जैसे ही कुछ समय में अपने आप ही सही हो जाएगा, या फिर अगर इसका अपडेट आएगा उस दिन ही सही हो जाएगा, तो आपको थोड़ा वेट करना है। तो गाइस, इस तरीके से आप सही कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।